हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, तो दिन है आज बृहस्पतिवार का, तारीख है आज 8 अप्रैल। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। और जो घर का है हमारा, सारा काम हो चुका है। वो पापा, मम्मी, चाचा जी और वे गए हुए हैं खेत में, और हमारे चल रही है गेहूं की कटाई। और हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है, जो यानी कि कल मैंने आपको दिखाई थी पहली वीडियो में कि पैकिंग वगैरह कर रही हूँ अपने मायके जाने की। मेरा मायके जाना हो गया है कैंसिल। हम आपको वजह भी बताते हैं किस वजह से मेरा मायके जाना कैंसिल हुआ। और जो ये महीना है यानी कि हमारे हिसाब से तो अप्रैल का चल रहा है, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बताते हैं कि चैत का महीना होता है, जो चैत होता है तो उसका महीना होता है। तो चैत के महीने में हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडी अपने मायके नहीं जाती, क्योंकि थोड़ा इसे क्या क्या बताऊँ आपको कि करड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, कि थोड़ा अपशगुन माना जाता है जो चैत के महीने में अपने मायके जाती है। तो इसलिए कहीं भी आना जाना बंद है। तो मेरी पैकिंग भी हो गई थी, सभी बात हो गई थी, लेकिन आज सुबह ही जाना था। लेकिन शाम के टाइम जो है चाची जी बोलने लगी, यानी पड़ोस में चाची जी बोलने लगी कि अभी इसे मत भेजो और फिर अगले महीने भेज देना। तो इसलिए मैंने अपने मायके जाना कैंसिल कर दिया। और देखो, आपको पता ही है कि बड़ों की बात भी माननी चाहिए, और जो बड़े करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें तो ये पता कि मायके जाना, घूमना, मौज मस्ती करनी, ये है। और जो यानी कि परंपरा होती है वो तो बड़े बुजुर्गों को ही पता होती है कि क्या है, किस तरीके से हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे यानी कि प्रेगनेंसी में कौन से महीने में जाना है, कौन से में नहीं जाना है। तो इसलिए जी मेरा मायके जाना हो गया कैंसिल। मेरा मन तो थोड़ा है उदास है। मैं तो खुशी खुशी में यानी कि बहुत ज्यादा घुमा रही थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी। और पता ही है आपको, मायके जाने की खुशी जो होती है बहुत सभी के चेहरे पे बहुत अलग ही दिखती है। लेकिन फिर भी मन भी उदास है। फिर सोचा कि कोई नहीं, अगले महीने चले जाएंगे, यानी कि बाद में चले जाएंगे, और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा मायके। तो चलिए जी, हमारा जो है मायके जाना कैंसिल हो गया। और आप सभी भी बहुत खुश थे, हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए हुए थे कि आप अपने मायके जाके वीडियो बनाना, यानी कि अपने मायके वालों से सभी से मिलवाना। तो जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी और वहां पे जाके आप सभी को सभी से मिलवाऊंगी। तो इसलिए मम्मी तो मुझे बोलने लगी कि चलो कोई नहीं, चले जाओ। लेकिन फिर भी चाची जी जो है पड़ोस की, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रहने दो, बाद में चले जाना। तो इसलिए हमने उनकी बात मान ली। मम्मी भी बोलने लगी कि तुम बताओ कि जाना चाहती हो नहीं जाना चाहती हो। तो मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी कोई नहीं, हम अगले महीने चले जाएंगे, जैसा आप बोल रहे हो वही ठीक है, हमारा क्या है, हम फिर बाद में घूम जाएंगे। और हमें तो ये नहीं पता होता कि चैत होता है किस तरीके से होता है, ये तो पता नहीं, ये तो बड़ी बड़ी औरतें ही पता है कि चैत होता है और फागुन वगैरह जो होता है, इन महीनों के बारे में तो हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके बारे में हमें पता है। हमें तो फिलहाल ये पता है कि अप्रैल चल रहा है, लेकिन चैत वगैरह का तो पता नहीं, उन्हें ही पता है, यानी कि मम्मी अरे उन्हें पता है जो। तो चलिए जी, हम भी जो है सुबह का काम हो चुका है हमारा, और दोपहर का खाना बनाना है। और वे सभी खेत में गए हुए हैं, और चाचा जी तो जो है सुबह 5 बजे चले गए थे, और मम्मी पापा और मैं गए हैं सुबह 7 बजे। तो नाश्ता वगैरह करके गए हैं, और दोपहर का खाना वे आके खाएंगे दोपहर के टाइम। तो क्योंकि ठंड ठंड में गेहूं कट जाते हैं, और शाम इस टाइम जो फिलहाल धूप हो रखी है, धूप में नहीं कटते हैं, क्योंकि पता ही है आपको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है एक जगह बैठ कर काम करना, वो काम कर रहे हो और ऊपर से धूप पड़ रही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए सुबह सुबह काट लेते हैं, जाके आ तो जाएंगे जल्दी ही, 11-12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप निकली है तेज। तो देखिए, और गेहूँ काटने की जो है वीडियो हम दिखाएंगे आपको। और 3 बीघे गेहूँ हमने ज़्यादा नहीं बोए हुए हैं, कि सिर्फ अपने खाने के लिए बोते हैं। तो 3 बीघे गेहूँ हमारे पूरे एक साल में, पूरा यानी कि जो है एक साल के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो कुछ में ईख बोया हुआ है, पूरे में गेहूँ भी नहीं बोए हैं। और धूप दिखा देते हैं पीछे कितनी तेज निकली हुई है, पूरी लाइट लग रही है आंखों पे। तो वे गेहूँ काटते हैं और मैं करती हूँ घर का काम। मायके जाना हो गया कैंसिल। और चलो जी, कोई नहीं, मेरी मम्मी और भी बहुत घुमा रही थी। मम्मी मेरे को मैंने फोन किया रात के शाम के टाइम, रात की मम्मी मैं नहीं आऊंगी, लेकिन मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि वंदना आएगी और काफी दिनों बाद आएगी। 4-5 महीने हो गए मुझे अपने मायके गए। तो चलो जी, कोई नहीं, मई में चले जाएंगे।
तो बने रहिए हमारी वीडियो में। और हाँ, ये मत कहना कि आपने पैकिंग वगैरह की। देखो जी, तो बहुत दुख रहा मेरा अपने मायके ना जाने पर, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मम्मी यार की बात मान लो, और बड़े जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जो है अभी वो ऐसा शाम का टाइम, और इसे बांधी जाएगी गोरी को उधर दूसरी तरफ जहाँ बैठ के दूध निकालना जाता है, और शाम अभी यही बंधी हुई है। तो देखिए कितनी तेज भाग गए, और वहाँ पे धूप आई हुई थी इसलिए इन्हें छांव में बांध के रखे हुए थे। सर्दियों में तो बंधी रहती है पूरा दिन वहाँ पे, लेकिन शाम के टाइम जो है यहीं पे बांध देते हैं इसे। तो गाय जो है बन चुकी है, आवाज चुकी है इसकी बारी, और बछड़ा जो है इधर ही बंधा रहेगा। और सभी गए हुए खेत में फिलहाल शाम के टाइम भी, क्योंकि अभी गेहूं कटे जा रहे, पापा चाचा जी और मैं गए हुए खेत में शाम के टाइम भी गेहूं काटने के लिए। और देखो कितनी तेज भाग गया। तो अब निकालते हैं दूध। ये देखिए किस तरीके से दूध पी रही है बच्चिया श्यामा। दूध जो है इसने पी लिया है, अब इसे बांध लेंगे इधर खूंटी में। चल अब जो है निकाल लेगी मम्मी दूध। तो देखिए, और धूप भी निकल रही है, मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे दोपहर का टाइम, और फिलहाल बजे हैं 5, तो 5 बजे जो है दूध निकालना जाता है, 5:30 का टाइम हो रहा, 5 बजे 5:02 हो रहे, टाइम है 5:02। और इधर फैलाया हुआ है नाज धो के, थोड़ा थोड़ा धोते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा सुखाते रहते हैं। और अभी जो है आ जाएगा नया नाज। और सरसों जो है हमारी निकल चुकी है, शाम के टाइम निकली थी, हम आपको नहीं दिखा पाए, वैसे दिखा देते हैं आपको कि जो कट्टे वगैरह है, यानी कट्टे में भरी रखी है सरसों वो वाली। पहले जो है दूध निकालना दिखा देते हैं। तो देखिए दूध, अब जो हमारी गाय है इतना दूध नहीं देती है, 1.5-2 किलो दूध देती है बस ज्यादा नहीं। तो देखिए व्हाइट कलर की कितनी अच्छी गाय। निकाल लेते हैं दूध, और हम दिखा देते हैं आपको सरसों। तो देखिए जो है 1 बीघे में से निकली है ये वाली सरसों, 1 बोरी है, आधी बोरी है और 1 कट्टा है। ये बोरी
सरसों की निकली है, हम इसे खोल नहीं सकते क्योंकि ये बिखर जाएगी, बारीक बारीक वैसे होती है। और ये पड़ा हुआ है गोले बरसिनी, बरसिनी पे जो है फूल आ चुका है, फिलहाल पक चुकी है और कुछ कटा हुआ पड़ा है चारा, बछड़ा जो है मौज से बैठा है उधर। और ये है सरसों का भूस, सरसों का टुकड़ा, और इसे डाल देते हैं पशुओं के नीचे। ये देखिए, इससे जहाँ गिल्ला होता रहता है वो सूख जाता है। ये है श्यामा, तो देखिए जो है दूध निकल चुका है और अब इसे फिर छोड़ देंगे सूखने के लिए, यानी दूध पीने के लिए। और मैं चलती हूँ बाल्टी ऊपर लेकर। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।